हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज है हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन, क्योंकि हम जा रहे हैं गाड़ी लेने। बस अब चल पड़े हैं घर से, इसके वापस ड्राइव कर रहे हैं। थोड़ा सा चलो, हेलो बोलो मेरे गाइस। हेलो गाइस। हाँ जी गाइस, चल पड़े हैं हम गाड़ी लेने। वी आर वेरी बहुत एक्साइटेड है हम लोग। हमारी नई गाड़ी आई, ग्रैंड विटारा लेने जा रहे हैं। तो एक ही है, आसी द बेस्ट है। फाइनली गाइस, हम पहुंच गए हैं मारुति के शोरूम में अपनी गाड़ी लेने। सारा दिन बढ़िया ये अपनी है, है? है? ये अपनी गाड़ी। अच्छा अच्छा ठीक। जी डॉक्यूमेंट का पूछियो के कब है। यहाँ पर गाइस हम लोग वेट कर रहे हैं रुपेश जी का। उनके आते ही बस डॉक्यूमेंटेशन का काम कंप्लीट करके फिर हम रिसीव करेंगे अपनी गाड़ी की की। बस वो 2 मिनट में आने ही वाले हैं, फिर हम अपनी गाड़ी रिसीव करेंगे। भैया ऐसे पकड़ लो ना। फोटो लिया आपका फोन दे रखा है, इन्हीं का फोन है, इन्हीं का फोन है। बस ठीक। Thank you.
सभी शेड्यूल वगैरह कर मैडम दे दीजिए। गाड़ी पे रखते हैं ये क्या वाली शोरूम का मेरे को पता लेबर कॉस्ट फ्री रहेगी तीनों में, पहली 1000 किलोमीटर या 1 मंथ, दूसरी 5000 या 6 मंथ और तीसरी 10000 किलोमीटर या 1 ईयर। पहली और दूसरी में जनरल चेकअप होगा सर, थर्ड सर्विस में मोबिल चेंज होगा, मोबिल के चार्जेस रहेंगे, मतलब कोई भी पार्ट डलता है ना उसके चार्जेस रहेंगे, लेबर कॉस्ट फ्री रहेगी तीनों सर्विस में, उसके बाद हर 10000। ठीक है और सर ओवरऑल शोरूम एक्सपीरियंस कैसा रहा सर, किसी भी टाइप का कोई इनकन्वीनियंस हो बुकिंग से लेकर? कॉल आएगी सर, बहुत अच्छा। मारुति हेड ऑफिस से कॉल आएगी सर, उसकी वजह से मैंने सर ने अटेंड किया, तो इनका एक स्टोर काउंट होगा मारुति में, तो हो सके तो एक्सेलेंट रेटिंग, एक्सेलेंट से सुपर एक्सेलेंट और 15 क्वेश्चन हर क्वेश्चन की रेटिंग होती है, हर क्वेश्चन में एक्सेलेंट। सुनीता आप आ गई है, तो आप ही को बांध दीजिए, बस बांध के बैठा। पहले आप लो सर। नहीं नहीं हम तो ले लेंगे, आप आपको कौन है? भाई तेरे पुण्य को क्यों जाना? अगर गुड़गांव जाना पड़ेगा तो मैं कांग्रेचुलेशन। और धीरे बोलो। थैंक यू ना, धीरे बोलो। ले भाई बाबा की दया है, पहली बार फ्यूल डल रहा है अपनी गाड़ी में। फूल कितने बैलून है? दो बैलून है, हो गया ना? देवंशु शोरूम शोरूम थी तो तू आगे बैठे है। नो नो भाई, असी जान दूड़ी मैं बैठ दूं। नो 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 ना क्यों थी? हां भाई मैंने भी चांदना चांदना में बैठन दे, आगे रात में बैठना क्यों? जैसे ही हम घर आए तो घर पे सभी आप हमारा वेट कर रहे थे, मम्मी पूजा की थाली लेके बिल्कुल तैयार थी गेट पे, और फिर मम्मी ने आते ही गाड़ी की पूजा की, तो घर में भी सब काफ़ी खुश थे, तो वेलकम किया गया इस तरह से गाड़ी का। ये बार उसमें देख के आए, एक बार इसमें देख के टिंडी। हम लोग जब गाड़ी के शोरूम में थे ना गाइस, तो बार बार बच्चों का कॉल आ रहा था कि जल्दी आओ, हमें गाड़ी की पार्टी चाहिए और हमारे लिए ना डोमिनोज से पिज़्ज़ा लेके आना, पिज़्ज़ा लेके आना। लेकिन जैसे ही गाड़ी आई ना, गाड़ी को आते ही ये लोग ना भूल गए अपना पिज़्ज़ा वगैरह सब कुछ, और बस इन ये गाड़ी के पीछे लगे थे,
और जैसे ही मम्मी ने अपनी पूजा कंप्लीट की ना, ये निकल गए थे अपने चाचा चाची के साथ लॉन्ग ड्राइव पे। और फिर इन्होंने वहाँ से आने के बाद फिर मतलब इन लोगों ने अपनी पार्टी की आने के बाद, पिज़्ज़ा पार्टी। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे गाड़ी को लेके, जैसे कि बड़े थे तो अच्छा लग रहा था देख के, सभी घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। फोटो कौन, वीडियो है, फोटो खींच ली मैं। चलो अब गाड़ी की कर लो।눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 अगले दिन गाइज हम लोग पठानकोट के लिए निकलने वाले थे। तो अर्ली मॉर्निंग ही पंडित जी को बुला लिया था गाड़ी की पूजा करने के लिए, और वो गाड़ी के लिए दुर्घटना नाशक यंत्र जो होता है ना, उसको भी लेके आए थे। तो देखिए कितनी धुंध है, काफ़ी सर्दी थी सुबह सुबह, लेकिन पंडित जी आ गए थे जल्दी ही, और हमें जल्दी ही निकलना था पठानकोट के लिए। तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग ही पंडित जी के द्वारा हमने गाड़ी की पूजा करवाई। रात को तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो वो कोई पूजा का टाइम नहीं था, गाड़ी देने में ही शोरूम में इतना टाइम लगा दिया ना उन लोगों ने, बहुत लेट हो गए थे हम लोग कल रात को, और आज सुबह तो हमें निकलना ही था। अगर गाड़ी हमें कल जल्दी मिल जाती ना, तो हम आस पास के मंदिर में भी लेके जाते, हमारे श्याम जी के मंदिर में और आसपास। लेकिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो हम अब वहाँ जाएंगे नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे ना छुट्टियों में, तब हम जाएंगे अपनी गाड़ी को लेके। फ़िलहाल तो अब हमें वापस जाना है, क्योंकि गाड़ी को मिलने में ही 2-3 दिन लग गए, आज कल करते करते, और लास्ट में यही हुआ कि छुट्टी ख़त्म हो गई और हमें आज जाना है। तो फाइनली चलो ये हुआ कि गाड़ी मिल गई है। फंसा दिए एकदम टाइट, ताकि वो दौड़ के उस साइड ना भागे। भगवान ओम स्वस्तिंदुर्वि स्वाहा स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिः भगवान् श्री गजाननम् देवताय श्री श्याम देवाय रक्षे प्रेतु सर्वदा। आ जाओ विद्वान जा। ओम गजाननम् भूतनाथ कपित फलचार भक्तों उपासितम् शोक विनाशकार जो श्री विनेशाय रक्षे प्रेतुता देवी प्रपन्ने हरि प्रसीदम् प्रसिद्ध मातृ जगतो अखिलेश प्रसिद्ध विश्वेश रूपाय विश्व। माता सरस्वती
ओम सत्येन्द्र पुहार अखंड सौभाग्य देही माता भगवती सरस्वती निशे विराड्या वहा देवी परपन्ने ति हरि प्रसीदम प्रसीद मात्र जगतो जब लालम सुनर चाची ने बात कर नारायण नाली आओ नाली अंदर गया वाक्य बुला ले इस जगम का अशागमन हम भद्रम कर्णो अर्जुन तम देव भद्र पश्चिम इच्छा विद्या जुटा है चलो पंडित जी के घर से निकलने के बाद गाइस हम लोग रास्ते में आ गए थे मोनिका के पास और फिर मोनिका ने पूजा की गाड़ी की। तो हमारे क्या होता है कि कोई भी शुभ काम होता है तो हम लड़कियों के हाथों से करवाते हैं तो शुभ माना जाता है। तो फाइनल पूजा तो मोनिका ही करेगी। तो इस तरह से मोनिका ने ये टायर वगैरह पे भी पानी दिया, मतलब ये हमारे शगुन होता है कि ठंडा सीधा रहे, इस टाइप से माना जाता है। तो यहाँ पे मोनिका ने भी कंप्लीट की अपनी पूजा गाड़ी की और फिर गाइस हम आ गए थे पठानकोट के लिए और गाड़ी हम मोनिका के पास ही छोड़ के आ गए थे। नेक्स्ट छुट्टी जब हम आएंगे तब गाड़ी को लेके आएंगे अपने साथ पठानकोट। तब तक इसका भी बहुत काम करवाना है, कुछ पेंडिंग है इसका, तो वो सारा घर वाले सब कंप्लीट करवा देंगे। तो उसके बाद हम लेके आएंगे इसको अपने साथ पठानकोट। तो गाइस बस फिर करते हैं आज का व्लॉग यहीं एंड। आई होप आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर गाइस आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ बालाजी फैमिली व्लॉग।